नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जिसका नाम है जनरल टिप्स, मेरे YouTube चैनल का। और मैं जिसमें बताती हूँ आपको बहुत ही छोटे छोटे घरेलू नुस्खे, बहुत ही कारगर जो उपयोगी होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए मैं आज कौन सा नुस्खा लेकर आई हूँ। ये वो नुस्खे होते हैं जो मैंने बचपन से देखे सुने और अपने बड़ों से सीखे हैं, वही होते हैं। तो ये नुस्खा है कि अगर किसी को लू लग जा रही है, अक्सर गर्मी में लू लग जाती है, तो बहुत तेज धूप रहती है, गर्म हवा चलती है, तो लू लग जाती है और उससे बहुत सारी तकलीफें होती हैं, दिक्कत होती है, बुखार होता है, बहुत परेशानी होती है। तो जिसको भी लू लगा है उसको वो घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकता है, पहले के लोग कैसे करते थे, वो मैं आज आपको बता दे रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास है प्याज, प्याज को कैसे यूज करना है आप देख लीजिए, पूरा वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इन प्याजों को, ये वही नॉर्मल प्याज है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं अपने, तो वही वाला है। सबसे पहले आप इसके छिलके को उतार लीजिए इसके, और छोटे छोटे भागों में काट के फिर आप इसे मिक्सी में अथवा सिलबट्टे पर पीस लीजिए। महीन पीस लेना है आपको इन प्याजों को, और उसके बाद से यूज करना है। तो सब आप इस प्याज को लगाने के बाद आम का पन्ना भी दे सकते हैं, पन्ना देना ही है आपको, आम का कच्चे आम का पन्ना देना है प्याज को, मैं जैसे बताऊंगी वैसे लगाने के बाद। और आम के पन्ने का वीडियो मेरे ये इस वीडियो से पिछले वाला वीडियो है जो मैंने बताया है कि आम का पन्ना कैसे बनाएं। और इस तरह से भी अगर वो नहीं देखना है तो कोई और सा भी वीडियो सर्च करके आप आम का पन्ना बना सकते हैं, और उस आम के पन्ने को भी रोगी को देना है। सबसे पहले आप इस प्याज को लगाएंगे जैसे मैं बताऊंगी, उसके बाद से आम का पन्ना देना है। तो देखिए मैंने सबसे पहले प्याज को यहाँ पर रखा हुआ है, और इस प्याज को मैंने दो अलग प्याजों को मैंने पहले ही मिक्सर में पीस लिया था, तो बारीक मैंने इस तरह से पीस लिया था। ये देखिए अब किस तरह यूज करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। मैं इसे हाथों और पैरों के पंजों पर लगाना है, हाथ के पंजे पे इस तरह यहाँ पे, और तलों पे लगाना है। तो मैं पहले आपको लगाकर ही दिखाती हूँ कैसे मैं लगा रही हूँ। सबसे पहले आप रोगी को अच्छे से लिटा दीजिए बिस्तर पे, और ये पिसा हुआ जो प्याज है उसको लेकर हाथ के पंजों में इस तरह से लेप करना है आपको। पूरा खोलो बेटा, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, उसको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे आपको लगाना है। मैं अपने बेटे के हाथों पर लगा रही हूँ। ये देखिए ये प्याज थोड़ा टुकड़ा रह गया है, पिसा नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे आपको लगाकर प्याज को पूरे हाथ पे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद से आप आम का पन्ना पीने के लिए दे सकते हैं रोगी को। तो दोनों हाथों पे अच्छे से लगाना है आपको, पूरा पिलपिला सा रहेगा ये। अच्छे से लगा लें आप हाथों पे और उसको सूखने दे, और इसके बाद से पंजों पर भी लगाना है आपको। इस तरह से आप फिर हाथ के पंजों, पैर के पंजों पर भी लगाएंगे इसी तरह से, और फिर आम का पन्ना पीने के लिए देना है। तो इस उपाय को करने से लू लगा हुआ व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका तबीयत ठीक हो जाएगा, बुखार इत्यादि है वो भी ठीक हो जाएगा। सब जगह लू लेप करके आप इसे सूखने दीजिए। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करिए, जरूर ये आपको फायदा करेगा। और मेरे वीडियो को आपको ये अच्छा लग रहा है नुस्खा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और वीडियो को देखने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे और सारी आपको वीडियो मिल सके मेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।